आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ बल दे रहे हैं। और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण, देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भागित भाग के अंदर अपने आप को बंधित नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उस लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे बच्चों को, बच्चे भी बच्चे, उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण,
सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनकर रह गई, हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है।